पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक और भारत की टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की जोड़ी अक्सर चर्चा में रहती है। आपको बता दें, इस वक्त सानिया मिर्जा प्रेग्नेंट है और जल्द ही एक बच्चे को जन्म देने वाली है। शोएब मलिक 1 फरवरी को 37 साल के हो गए हैं। पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले शोएब का बर्थ 1981 में हुआ था। अपने देश के लिए 35 टेस्ट, 261 वनडे और 92 टी20 मैच खेल चुके शोएब की वाइफ फेमस इंडियन टेनिस प्लेयर सानिया मिर्जा हैं। सानिया मिर्जा शोएब मलिक की दूसरी पत्नी है। अप्रैल 2010 में हुई इस शादी के कुछ दिनों पहले ही उनकी पहली पत्नी ने मीडिया में आकर तहलका मचा दिया था। आयशा सिद्दीकी नाम की महिला का कहना था कि शोएब पहले उनसे शादी कर चुके हैं और बिना तलाक दिए वो दूसरी शादी नहीं कर सकते। पहले तो शोएब इस शादी से इनकार करते रहे और तलाक नहीं देने के बात कही, लेकिन बाद में मामला बढ़ता देख और काफी हंगामा होने के बाद उन्हें आयशा को तलाक देना पड़ा। शोएब और सानिया की शादी 12 अप्रैल 2010 को हैदराबाद में हुई थी। इन दोनों स्टार्स की पहली मुलाकात ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, जहां सानिया ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गई थी। वहीं पर शोएब भी अपनी टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे। वहीं शादी से पहले सानिया ने भी सोहराब मिर्जा से सगाई कर रखी थी। शोएब के साथ शादी से पहले सानिया की सगाई कहीं और हुई थी। सानिया की पहली सगाई साल 2009 में उनके बचपन के दोस्त सोहराब मिर्जा से हुई थी। सोहराब के परिवार का प्रेशर ही इन दोनों के बीच दीवार बन गया। सोहराब के पिता आदिल मिर्जा को सानिया का टेनिस खेलना पसंद नहीं था। सगाई के बाद सानिया मिर्जा ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने गई थीं। इसी दौरान पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया में थी, जिसके बाद ये दोनों मिले। दोनों में प्यार होने के बाद सानिया ने सोहराब से सगाई तोड़ ली और शोएब के साथ निकाह करने का फैसला लिया। जब सानिया ने शोएब से शादी का ऐलान किया तो देश में इसका काफी विरोध हुआ था, लेकिन सानिया ने सारा विरोध दरकिनार करते हुए शोएब से शादी की थी।